बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मधुबन क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3 स्वच्छता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। गौरव कई दिन से विद्यालय नहीं आ रहा था। उसका मित्र सौरभ परेशान था कि गौरव ना जाने क्यों विद्यालय नहीं आ रहा है। सौरभ अपने मित्र गौरव के घर मिलने पहुंचा। गौरव के घर के पास एक बस्ती थी। बस्ती के लोगों ने सड़क के किनारे बहुत गंदगी फैला रखी थी। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए थे, जिनके गंदे पानी में बहुत से मच्छर एकत्रित थे। कूड़ा भी कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक पर रुमाल रखकर सौरभ गौरव के घर पहुंचा। गौरव बहुत बीमार लग रहा था। उसे तेज बुखार था। उसकी माँ ने बताया कि उसे डेंगू है। बस्ती में मच्छरों के कारण आसपास के घरों में बीमारी फैल रही थी। सौरभ ने अगले दिन अपने अध्यापक को सारा हाल सुनाया। अध्यापक जी कुछ बच्चों को लेकर बस्ती में गए। उन्होंने वहाँ मच्छर मारने की दवाई छिड़की। जिन गड्ढों में पानी एकत्र था, वहाँ बच्चों ने मिट्टी से गड्ढों को भर दिया। कूड़ेदान का कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर उठाया। धीरे धीरे सभी बस्ती साफ सुथरी लगने लगी। बस्ती के लोग भी बच्चों को काम करते देखकर उनका हाथ बटाने लगे। अध्यापक जी ने बस्ती वालों को भी स्वच्छता का महत्व समझाया। बस्ती वालों ने भी वायदा किया कि वे अपनी बस्ती को साफ सुथरा रखेंगे। अब सौरभ भी खुश होकर अपने घर चला गया। विश्वास था कि गौरव जल्दी ठीक होकर पिकनिक पर चलेगा तथा वे फिर से पहले की तरह खेलेंगे। तो बच्चों, आज आपने स्वच्छता का पाठ पढ़ा। तो स्वच्छता से मतलब है कि अपनी शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी हमको स्वच्छ रखना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमें बीमारियां जकड़ सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आपने इसके प्रश्न 1 और 2 अपने गृह कार्य में कर लिए होंगे। आज हम आपको प्रश्न 3 और प्रश्न 4 गृह कार्य में करने के लिए देंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।